अगर सीएम अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना की शुरुआत ना की होती तो दौसा के बड़ियाल खुर्द के रहने वाले लक्ष्मण सिंह शायद इस दुनिया में ना होते। कई बीमारियों से जूझ रहे लक्ष्मण सिंह के लिए इलाज करवाना आसान नहीं था। उन्हें योजना का लाभ भी मिला और 25,000 रुपए की डीडी भी स्वीकृत हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ऐसा मुख्यमंत्री देखा नहीं कहीं। दूसरों के दर्द को अपना मानते हैं गहलोत। मुख्यमंत्री की संजीदगी बनी मिसाल। अशोक हैं तो आत्मविश्वास है। अशोक गहलोत इन दिनों अस्वस्थ हैं, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे फिक्रमंद रहते हैं, अधिकारियों से अपडेट लेते रहते हैं। जब अशोक गहलोत बीमार थे तो वो अपने इलाज के लिए SMS गए थे। यहाँ उनकी मुलाकात दौसा के रहने वाले लक्ष्मण सिंह से हुई। लक्ष्मण सिंह को 3 गंभीर बीमारियों ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। गहलोत को जानकारी मिली तो उन्होंने अधिकारियों को चिरंजीवी योजना के तहत इलाज कराने के निर्देश दिए, साथ ही 25,000 रुपए की डीडी लक्ष्मण सिंह के परिजनों को इलाज के लिए दिलाई। इस पहल का असर ये हुआ कि जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने को मजबूर लक्ष्मण सिंह को नया जीवन मिला। मेरे साहब 3-3, 4-4 बीमारी हो गई थी। मैं गरीब आदमी हूँ और मुख्यमंत्री साहब की अशोक गहलोत जी की जो चिरंजीवी योजना है उसके थ्रू मेरा इलाज हुआ है और SMS में मेरा इलाज कर भी रहा है। करवाया था मुख्यमंत्री जी ने मेरे को 25,000 रुपए की सहायता राशि। दौसा के बड़ियाल खुर्द के रहने वाले लक्ष्मण सिंह को सीने में ब्लॉकेज की समस्या थी, हर्निया था। इसे लेकर परिवार वाले परेशान थे, लेकिन आज वो गर्व से कहते हैं कि वो गहलोत के राज में रहते हैं। जहां गरीब से गरीब आदमी को इलाज मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। अब लक्ष्मण सिंह और उनका पूरा परिवार CM की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रहा है। हमारे पिताजी की 2-3 बीमारी हो गई और हम यहाँ इलाज करवा नहीं सकते थे, इसलिए हम SMS गए थे और मुख्यमंत्री साहब ने हमको चिरंजीवी योजना में सहायता मिली है और मुख्यमंत्री का मेरा बड़ा बड़ा आभार हुआ है। सिर्फ लक्ष्मण सिंह ही नहीं बल्कि सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी मदद मुख्यमंत्री ने की है, चिरंजीवी योजना के तहत लाभ दिलाया है। जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे लक्ष्मण सिंह के लिए ये योजना वाकई चिरंजीवी बनी और मुख्यमंत्री मसीहा। ये लोग CM का शुक्रिया अदा करते थक नहीं रहे। लक्ष्मीकांत शर्मा, First India News, दौसा।